हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू एसक्यू क्लास। आज हम पढ़ेंगे टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म पढ़ने से पहले हमें इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। टोटो का मतलब होता है सेम और मेरियोस का मतलब होता है पार्ट, यानी कि सेम पार्ट। टोटोमेरिज्म एक टाइप की स्पेशल काइंड की फंक्शनल आइसोमेरिज्म होती है। कैसे होती है ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ एक एग्जाम्पल के ज़रिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको दिखाई दे रहा है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया। आपको नज़र आ रहा होगा कि एक फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, यहाँ पे दूसरे फंक्शनल ग्रुप में क्या हो गया कन्वर्ट हो गया। कैसे हुआ? इस पॉलीवेलेंट एटम का एक हाइड्रोजन माइग्रेट करके, यानी कि निकल के कहाँ चला गया, इस तीसरे वाले ऑक्सीजन पर जाके अटैच हो गया, ठीक है ना। और क्या बना दिया उसने, दूसरा मॉलिक्यूल बना दिया जिसमें एक दूसरा फंक्शनल ग्रुप था। तो मैंने आपको बताया कि टोटोमेरिज्म क्या होती है, एक स्पेशल टाइप की क्या होती है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म होती है, ठीक है ना। तो यानी कि इसमें हमें एक चीज़ और पता चली कि क्या हाइड्रोजन क्या एक पॉलीवेलेंट एटम से निकल के क्या हो जाता है, दूसरे पर जाके अटैच हो जाता है, जिस वजह से इसे हम कहते हैं एक टाइप की क्या, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, स्पेशल टाइप की, ठीक है ना। ओके, अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैंने आपको बताया कि एक मॉलिक्यूल दूसरे में क्या हो जाता है, इंटर क्या हो जाता है, चेंजेबल हो जाता है। यानी कि वो जो आइसोमर्स होते हैं वो किस में एग्जिस्ट करते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, इसका मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में क्या हो जाए, इंटरचेंज हो जाए। ये जो आपको निशान दिखाई दे रहा है, ये जो आपको साइन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यानी कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में चेंज हो सके और वो दूसरा मॉलिक्यूल दोबारा उस पहले वाले मॉलिक्यूल में चेंज हो जाए, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या बताया, टोटोमेरिज्म क्या है, टोटोमेरिज्म एक टाइप की फंक्शनल आइसोमेरिज्म होती है, स्पेशल टाइप की, जिसमें जो हाइड्रोजन है वो सेम मॉलिक्यूल में, जो हाइड्रोजन है वो सेम मॉलिक्यूल में एक पॉलीवेलेंट एटम से निकल के दूसरे वाले पे क्या हो जाता है, जाके अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से उसका फंक्शनल ग्रुप भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एसीटोन कन्वर्ट हो गया प्रोप वन इन टू ओल में, किसकी वजह से, रीअरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन की वजह से, ठीक है ना। ओके, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। तो मैंने आपको बताया इट इज़ स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स इन विच द आइसोमर एग्जिट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। इट अराइज ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन पॉली एटम टू अदर विद इन द सेम मॉलिक्यूल विद नेसेसरी रीअरेंजमेंट ऑफ लिंकेज, ठीक है ना। ये पूरी बात मैंने आपको अभी यहाँ पे डिटेल में समझाई, ठीक है ना। द आइसोमर्स दस ऑप्टेन आर कॉल्ड टोटोमर्स। वो जो आइसोमर्स हमें मिले हैं उसे हम कहते हैं टोटोमर्स, और ये जो फिनोमिना शो कर रहे हैं उसे हम कहते हैं टोटोमेरिज्म, ठीक है ना। ओके, मुझे पता है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो टोटोमेरिज्म का एक और नाम से जानते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, डिस्मोट्रोफिज्म। क्या कहते हैं, डिस्मोट्रोफिज्म, ठीक है ना। डिस्मोस का मतलब होता है बॉन्ड और प्रोफस का मतलब होता है टर्न, यानी कि बॉन्ड्स का टर्न होना। तो मैंने आपको बताया कि टोटोमेरिज्म क्या होती है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक बार बताने की और कोशिश करता हूँ। टोटोमेरिज्म एक स्पेशल काइंड की फंक्शनल आइसोमेरिज्म होती है, जो कि उसके आइसोमर्स होते हैं वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम शो करते हैं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है, और अगर वो मॉलिक्यूल दूसरे वाला वो दोबारा उस पहले वाले में कन्वर्ट हो सकता है। ये जो आपको साइन नज़र आ रहा है ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम का होता है, यानी कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में क्या हो सकता है, इंटरचेंज हो सकता है। ऐसा केवल हमें अभी तक किस में दिखाई दिया, केवल टोटोमेरिज्म में, कि एक मॉलिक्यूल दूसरे में क्या हो गया, चेंज हो गया। वही एक मॉलिक्यूल दूसरे में चेंज हो गया, बाकी में हम क्या कर रहे थे, बाकी जो हमारे कौन कौन से थे, पोजिशनल आइसोमेरिज्म थे, हमारे फंक्शनल आइसोमेरिज्म थे, हमारा चेन आइसोमेरिज्म था, उसमें वो दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल नहीं हो रहा था। वहाँ पे हम दो मॉलिक्यूल को कंपेयर कर रहे थे, और यहाँ पे वो एक ही मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहा है, वो एक ही मॉलिक्यूल यहाँ टोटोमेरिज्म हमें क्या कर रहा है, शो कर रहा है। दिमाग में डाल लीजिए ये बात, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि
टोटोमेरिज्म एक स्पेशल काइंड की फंक्शनल आइसोमेरिज्म होती है, जो उसके आइसोमर हमें डायनेमिक इक्विलियम शो करके दिखाते हैं, यानी कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो सकता है और वो दूसरा मॉलिक्यूल फिर चाहे तो उस पहले मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो सकता है। जो जो क्या होते हैं उसके जो उस मॉलिक्यूल के जो हाइड्रोजन होता है वो एक पॉली वैलेंट एटम से निकल के कहाँ चले जाता है, दूसरे वाले पे चले जाता है। मैंने आपको दिखाया कि उसी मॉलिक्यूल का एक हाइड्रोजन उस पॉली वैलेंट एटम से निकल के कहाँ चला गया, दूसरे वाले पे अटैच हो गया, ठीक है ना। ओके, वो जो आइसोमर हमें मिले वो उसे हम कहते हैं टोटोमर्स, और ये जो फिनोमिना शो हो रहा है इसे हम कहते हैं टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म का एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं डिस्मोट्रोफिज्म। डिस्मोस का मतलब होता है बॉन्ड और प्रोपोस का मतलब होता है टर्न। टोटोमेरिज्म बहुत सारे टाइप के होते हैं लेकिन हम यहाँ पे केवल दो इम्पोर्टेंट टाइप के पढ़ेंगे, डायाड सिस्टम और ट्रायाड सिस्टम। मैंने देखा है कि काफ़ी लोग इसे नहीं पढ़ाते लेकिन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, एम्स, जिपमर एंड IIT आल्सो, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे टोटोमेरिज्म के बारे में, अब हम पढ़ेंगे डायाड सिस्टम क्या होता है। चलिए पढ़ते हैं। डायाड सिस्टम, इस टाइप के टोटोमेरिज्म में जो हमारा प्रोटॉन होता है सेम मॉलिक्यूल में वो एक पॉलीवेलेंट एटम को छोड़ के दूसरे वाले पे क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पहले जो हमारा हाइड्रोजन था वो हमारे कार्बन से अटैच था और फिर वो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से रीअरेंज हो गया और कहाँ पे जाकर अटैच हो गया, नाइट्रोजन पे अटैच हो गया उसी सेम मॉलिक्यूल में। याद रखिए सेम मॉलिक्यूल इज़ अ इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, ओके ना। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो प्रोटॉन है वो पहले पॉलीवेलेंट एटम को छोड़ के कहाँ चला गया, दूसरे वाले पे अटैच हो गया, पहले को छोड़ के दूसरे पे अटैच हो गया, ठीक है ना, ओके। तो इसे हम कहते हैं कि ये क्या है, ये दोनों क्या है, टोटोमर हैं, ठीक है ना, ये दोनों टोटोमर है और ये जो फिनोमिना शो कर रहे हैं उसे हम कहते हैं टोटोमेरिज्म, ठीक है, ओके। अब एक बात बड़े ध्यान से और गौर से सुनिए कि टोटोमेरिज्म और फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या फ़र्क होता है। मैंने आपसे इसमें कहा डायाड सिस्टम में कि एक प्रोटॉन, क्या कहा मैंने, दोबारा सुनिए, कि एक प्रोटॉन क्या हो जाए, एक पॉलीवेलेंट एटम से हट के दूसरे पे लग जाए, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ एल्काइल आ गया, एच की जगह एल्काइल आ गया और वो यहाँ से हट के, वो पहले पॉलीवेलेंट एटम से हटके दूसरे वाले पे अटैच हो जाता है तो उसे हम टोटोमेरिज्म नहीं कहते, उसे हम कहते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना, ओके। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड क्या शो कर रहे हैं, टोटोमेरिज्म शो कर रहे हैं, लेकिन एल्काइल साइनाइड और एल्काइल आइसोसाइनाइड टोटोमेरिज्म शो नहीं करते, वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। यानी कि हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि टोटोमेरिज्म में ज़्यादातर रीअरेंज किसका होता है, रीअरेंज होता है हाइड्रोजन एटम का, ठीक है ना, यानी कि प्रोटॉन का, ठीक है ना। अगर वहाँ एल्काइल का रीअरेंजमेंट हो रहा है, तो उसे हम टोटोमेरिज्म नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। एक लाइन पढ़ के सुनाता हूँ मैं आपको, Not that all through hydrogen cyanide and hydrogen isocyanide are tautomer. Alkyl cyanide and alkyl isocyanide are not tautomers but are simply functional isomers. ठीक है ना, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई है तो मैं आपको एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ। डायाड सिस्टम में ये एक ऐसे टाइप की टोटोमेरिज्म है जिसमें प्रोटॉन पहले पॉलीवेलेंट एटम से निकल के दूसरे वाले पे जाके जा क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है उसी सेम मॉलिक्यूल में, ठीक है ना। आप यहाँ से देख रहे हैं कि एक ही सेम मॉलिक्यूल में पहले किस पे अटैच था, ये हाइड्रोजन कार्बन पे, और फिर किस पे अटैच हो गया, नाइट्रोजन पे, ठीक है ना। यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो गया प्रोटॉन का, रीअरेंजमेंट हो गया हाइड्रोजन का, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड क्या हैं,
टोटोमर्स है, और ये जो फिनोमिना शो कर रहे हैं इसे हम कहते हैं टोटोमेरिज्म। लेकिन अगर हम बात करें एल्काइल अगर अटैच हो जाए एच की जगह यहाँ पे आके, ठीक है ना, और अगर एल्काइल यहाँ पे क्या हो जाए, एल्काइल हटके दूसरे वाले पे अटैच हो जाए, यानी कि एल्काइल एक पॉलीवेलेंट एटम से हटके दूसरे वाले पॉलीवेलेंट एटम पे जाके अटैच हो जाए, तो उसे हम वहाँ पे फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहेंगे, टोटोमेरिज्म नहीं कहेंगे, क्योंकि टोटोमेरिज्म में केवल हाइड्रोजन का रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है ना, एल्काइल का रीअरेंजमेंट नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से बात सुनिए मेरी, ठीक है ना, किसका होता है, केवल टोटोमेरिज्म में हाइड्रोजन का रीअरेंजमेंट होता है, प्रोटोन का रीअरेंजमेंट होता है, ना कि एल्काइल का, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आपको एल्काइल का रीअरेंजमेंट मिले, ठीक है ना, और फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना, आप देख रहे हैं ना, पहले साइनाइड था फिर आइसोसाइनाइड हो गया, तो वो हमें क्या शो कर रही है, वो हमें फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर रही है, ना कि टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म में केवल और केवल हाइड्रोजन रीअरेंज होंगे, ठीक है ना, केवल और केवल प्रोटोन रीअरेंज होंगे, ना कि एल्काइल रीअरेंज होंगे, याद रखिए मेरी बात को, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं डायाड सिस्टम, किसे, कि अगर कोई एक प्रोटोन पहले पॉलीवेलेंट एटम को छोड़ के दूसरे वाले पे जाके अटैच हो जाए, तो उसे हम कहते हैं डायाड सिस्टम, टोटोमेरिज्म। लेकिन अगर उस एच की जगह यहाँ पे आर लग रहा हो, यानी कोई एल्काइल ग्रुप लग रहा हो, एल्काइल ग्रुप मैंने आपको बताया क्या होती है, CH3, CH2, CH3, कितनी कोई भी सी की कार्बन की कितनी भी लंबी चेन यहाँ पे हो सकती है, ठीक है ना, ओके ना, याद रखिए, अगर कोई एल्काइल ग्रुप लग रहा हो, ठीक है ना, और वो क्या कर रहा हो, वो एक पॉलीवेलेंट एटम से हटके दूसरे वाले पे अटैच हो रहा हो, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, साइनाइड से आइसोसाइनाइड हो गया, तो ये हमारी फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगी, ठीक है ना, ये हमारी टोटोमेरिज्म नहीं कहलाएगी। टोटोमेरिज्म केवल जब ही कहलाती है जब वहाँ पे केवल और केवल हाइड्रोजन का रीअरेंजमेंट हो, केवल और केवल प्रोटोन का रीअरेंजमेंट हो, वन पॉलीवेलेंट एटम से दूसरे पॉलीवेलेंट एटम पे, ठीक है ना, याद रखिएगा इस बात को, एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एक पॉलीवेलेंट एटम से निकल के अगर दूसरे पे जाके अटैच हो जाता है तो उसे हम डायाड सिस्टम कहते हैं। लेकिन अगर एल्काइल ग्रुप अटैच है हाइड्रोजन की जगह, ठीक है ना, और वहाँ पे आपको वन पॉलीवेलेंट एटम से निकल के वो एल्काइल ग्रुप दूसरे वाले पे जाके अटैच हो जाता है, तो वहाँ पे उसे हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहेंगे, क्योंकि टोटोमेरिज्म में केवल हाइड्रोजन का रीअरेंजमेंट होता है, केवल हाइड्रोजन का, ठीक है ना। ये बात मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए, ठीक है ना। ये तो थी हमारी डायाड सिस्टम की बात, अब हम करेंगे ट्रायाड सिस्टम की बात, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखिएगा। अब हम पढ़ेंगे ट्रायड सिस्टम के बारे में। ट्रायड सिस्टम बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है ना। तो ट्रायड सिस्टम में क्या होता है कि हाइड्रोजन माइग्रेट फ्रॉम वन पॉलीवेलेंट एटम टू थर्ड पॉलीवेलेंट एटम विद इन द सेम मॉलिक्यूल, यानी के हाइड्रोजन निकलेगा पहले पॉलीवेलेंट एटम से कहाँ पे और जाएगा अटैच हो जाएगा थर्ड वाले पॉलीवेलेंट एटम पे जाके अटैच हो जाएगा एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है ना, सेम मॉलिक्यूल इज इम्पोर्टेंट, ओके। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ से हाइड्रोजन निकला और थर्ड पे जाकर क्या हो गया, अटैच हो गया, और इसने क्या बना लिया, यहाँ पे विनाइल एल्कोहल बना लिया, ठीक है ना। इस तरह की टोटोमेरिज्म को, इस तरह की ट्रायड सिस्टम की टोटोमेरिज्म को हम कहते हैं कीटो-इनोल टोटोमेरिज्म, ठीक है ना, क्योंकि आप देख पा रहे हैं सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे कीटो ग्रुप होता है, ठीक है ना, कीटो ग्रुप की तरह आपको दिखाई दे रहा है, और इनोल का मतलब होता है EN यानी डबल बॉन्ड, और OL यानी कि यहाँ पे क्या है, OH, ठीक है ना, OH को हम ओल कहते हैं। तो इस टाइप की टोटोमेरिज्म को हम कहते हैं कीटो-इनोल ट्रायड टोटोमेरिज्म, ठीक है ना, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। मैंने आपके पास क्या बताया कि ट्रायड टोटोमेरिज्म में क्या होता है कि हाइड्रोजन माइग्रेट फ्रॉम वन पॉलीवेलेंट एटम टू थर्ड पॉलीवेलेंट एटम विद इन द सेम मॉलिक्यूल, ठीक है ना, आपको दिखाई दे रहा है ना कि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला और इस थर्ड वाले पे जाके क्या हो गया, अटैच हो गया, ठीक है ना, ओके। और इसने एसीटोन से क्या बना दिया, प्रॉप वन इन टू ऑल बना लिया, ठीक है ना, ओके ना। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि
पहले पॉलीवेलेंट एटम से निकल के हाइड्रोजन कहाँ चला गया, तीसरे वाले पे चला गया और उसने क्या बना लिया, प्रॉप वन इन टू ऑल बना लिया। देखो यहाँ पे कीटोन ग्रुप है, यहाँ पे इन है और ऑल है, तो इसे हम कहते हैं कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। ये कीटो इनोल टोटोमेरिज्म एक टाइप की ट्रायड सिस्टम के आइसोमेरिज्म है ना, मैं आपको आगे और भी पढ़ाऊँगा, ठीक है ना, ओके ना। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो है, ये जो मॉलिक्यूल है, इसकी जो है ये संख्या में 100% है, लेकिन ये जो है ये नेग्लेजिबल अमाउंट के आसपास है। ऐसा क्यों? क्योंकि बिकॉज सी और ओ जो डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है ना, इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इसे टूटने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, जिस वजह से ये थोड़ा कम बनता है, ठीक है ना। और सी और सी की एनर्जी, जो सी और सी के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है, उसकी एनर्जी कम होती है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड की एनर्जी कितनी होती है, यहाँ पे 364 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना, और कार्बन की कितनी होती है 254 किलो जूल पर मोल, यानी कि इसे टूटने में, इस बॉन्ड को टूटने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी और इस बॉन्ड को टूटने में कम एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है ना। जब बॉन्ड टूटेगा ही नहीं तो ये बनेगा कहाँ से, और जब ये बनेगा ही नहीं तो ये जरूर नेग्लेजिबल अमाउंट में ही होगा, ठीक है ना। आप यहाँ पे एक चीज़ और देख पा रहे हैं कि ये वाला निशान तो थोड़ा लंबा है और ये वाला थोड़ा कम है, यानी कि ये वाला ज़्यादा स्टेबल है और ये वाला मॉलिक्यूल थोड़ा कम स्टेबल है, इसलिए यहाँ पे 100% रहता है लगभग, और ये थोड़ा बहुत बनता है 0.01% के आसपास ये बनता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि सी डबल बॉन्ड ओ की जो होती है एनर्जी ज़्यादा होती है और सी और सी बॉन्ड की एनर्जी कम होती है। जब ये मॉलिक्यूल टूटेगा ही नहीं तो ये बनेगा कहाँ से, ठीक है ना, जब ये बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा तो ये वाला मॉलिक्यूल बनेगा कहाँ से, ठीक है ना। तो आपने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी और समझी, तो चलिए एक और देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं साइक्लोहेक्सेन ऑन किस में कन्वर्ट हो गया, साइक्लोहेक्सेन वन इन वन ऑल में, ठीक है ना। यहाँ पे क्या काम हुआ, ये यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड और यहाँ पे थर्ड, ये वाला हाइड्रोजन निकल के कहाँ चला गया, इस थर्ड वाले पे अटैच हो गया। मैंने अभी आपको बताया ट्रायड सिस्टम क्या होता है, कि हाइड्रोजन माइग्रेट फ्रॉम वन पॉली एटम टू थर्ड पॉलीवेलेंट एटम, हाइड्रोजन माइग्रेट फ्रॉम वन पॉलीवेलेंट एटम टू थर्ड पॉलीवेलेंट एटम विद इन द सेम मॉलिक्यूल, उसी मॉलिक्यूल के अंदर यहाँ से हाइड्रोजन निकला और यहाँ पे गए क्या हो गया, यहाँ पे जाके अटैच हो गया और उसने क्या बना लिया, साइक्लोहेक्स वन इन वन ऑल बना लिया। आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि 98.8% तो हमारा साइक्लोहेक्सेन ऑन है और साइक्लोहेक्सेन वन इन वन ऑन कितना बना, केवल 1.2%। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ की जो पावर होती है टूटने की वो ज़्यादा होती है, ठीक है ना, और सी सी की क्या होती है, कम होती है। मैंने आपको यहाँ पे दिखाया सी, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन की पाई बॉन्ड की जो आपकी बॉन्ड की एनर्जी है वो ज़्यादा है, 364 किलो जूल पर मोल, लेकिन कार्बन पाई बॉन्ड कितनी होती है, कम होती है, 254 किलो जूल पर मोल। जब ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं तो ये वाला नया बॉन्ड बनेगा कैसे, जब पुराना वाला टूटेगा तभी तो नया वाला बनेगा, और पुराना वाला तोड़ना थोड़ा मुश्किल है तो नया वाला थोड़ा कम बनेगा, इसलिए यहाँ पे 98.8% है और यहाँ पे ये 1.2% है। और मैंने आपको बताया कि इस टाइप की ट्रायड सिस्टम की जो टोटोमेरिज्म होती है उसे हम कहते हैं कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। क्यों, क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ कीटो ग्रुप में आता है और ये डबल बॉन्ड वो इन होता है और OH को हम ऑल कहते हैं, तो इसलिए इन ऑल, ठीक है ना, ये पूरी की पूरी चीज़ है ट्रायड सिस्टम।